में शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट वियाड़ी से मोहम्मद मौजम की रिपोर्ट के मुताबिक वियाड़ी सर्किट हाउस में मुनक़दा इजलास में जिला वियाड़ी के रायकीन असम्बली तहरीक पाल चौधरी औरंगजेब के चीफ मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात जाहिद इकबाल चौधरी के अलावा स्टेक होल्डर तंजीमों के सदूर और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। सदर जनूबी पंजाब सेनेटर ओन अब्बास पपी ने लाहौंग मार्च के हवाले से हदायत जारी की। मीडिया से गुफ्तगु करते हुए सेनेटर ओन अब्बास पपी ने कहा कि ज़िला वियाड़ी से काफिले 3 नवंबर को चलेंगे और 4 नवंबर को इस्लामाबाद आज़ादी लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे, जबकि वियाड़ी से 8,000 से ज़्यादा कारकुनान आज़ादी मार्च में शरीक होंगे। तमाम कारकुन मौसम के मुताबिक तैयारी के साथ काफिले के साथ शामिल हों। ओन अब्बास का कहना था कि चेयरमैन इमरान का कौम के हकीकी आज़ाद मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत उच्च हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। हमने इसकी हर कोशिश को नाकाम बना देना है। हकीकी आज़ादी के असूल तक हमने इमरान खान के साथ खड़े रहना है। इम्पोर्टेड हुकूमत का जाना ठहर चुका है। ये इमरान खान के टाइगर्स के सामने रेत की दीवार साबित होगी। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने लीडरों कारकुनों को एक मेज़ पर जमा कर रखा है। इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 27 किलोमीटर तक महदूद है। ये आज़ादी लॉन्ग मार्च सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकेगी। राना सनाउल्ला जिस किस्म की धमकियाँ दे रहा है वो इसके गले में फिट हो जाएंगी। कसूर मोहम्मद अफजल खरल बेरोची फारह में चुर्दू न्यूज़ पत्तों की थाना सिटी पुलिस का मंशात फरोशों कबाखानों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। पत्तों की थाना सिटी पुलिस ने डीपीओ कसूर डीएसपी सर्कल पत्तों की आसफ अनीर जोया की हदायत पर अमल करते हुए एसएचओ मरूफ खान और इनकी टीम ने मंशात फरोशों कबाखानों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी कर दिया। पुलिस ने मोहल्ला शरीफपुरा में कार्रवाई करते हुए कबाखाने पर रंग रंग लिया मनाते हुए हसीना और जिसम के बेचारियों को गिरफ्तार कर लिया। उनका मजीद कहना था कि शहर में करप्ट अफराद के लिए कोई जगह नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मंशात फरोश कबाखाना चलाने वाले अफराद शहर को छोड़ दें, इस घिनौने काम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कानून के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीडिया के नुमाइंदों सदर तहसील प्रेस क्लब पत्तों की राना महबूब अहमद और डॉक्टर जुल्फकार अली और सलीम गौरी ने एसएचओ मारूफ खान को अच्छे ऑपरेशन पर वेल्डन कहा। आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर सेक्रेटरी जनरल अंजमन ताजरान 8 मुकाम ख्वाजा अनीस अली की तरफ से दिए गए इशाइया में शिरकत की और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। बाद हज़ार यूनियन कौंसल नगतर के तमाम टिकट वार्ड कुक टिकटों की तकसीम 19 ख्वाजा को सौंपती गई। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर यूनियन कौंसल नगदत के तमाम टिकट होल्डर्स को मुबारकबाद दी। लाल दीन ख्वाजा आर एम एच उर्दू न्यूज़ वादी नीलम।